एवरीवन वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। मैं हूं आशीष नारंग और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन हम करने वाले हैं। काफी सारे लोगों की एक रिक्वेस्ट होती है कि हम लोग ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाएं। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो लेकिन आपका रिज्यूमे जो है रिजेक्ट हो जाता है, और मैं आपको काफी सारे वीडियोज में हमेशा बताते रहा हूं कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करके करो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम लगता है, ATS हमें समझ नहीं आता। तो आज इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होने वाला है। आज हम आपके नॉर्मल से जेनरिक से रिज्यूमे जिसपे कोई भी इंटरव्यू का कॉल नहीं आता उसको पर्सनलाइज कस्टमाइज ऑन स्पॉट ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाएंगे, और वो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर। आपका रिज्यूमे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि हर हफ्ते आपको इतने कॉल्स आएंगे कि आप उठाते उठाते थक जाओगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम यूज करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT को और आपका रिज्यूमे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने चैनल पे लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो, और लास्ट में मुझे पक्का बताएं कि आपको ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुद ही शेयर कर दोगे, मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनरली कोई फ्रेशर का जो रिज्यूमे है वो कैसा दिखता है। हम एज्यूम करते हैं कि सचिन का रिज्यूमे है, ऊपर रिज्यूमे लिखा होता है, नीचे एड्रेस लिखा होता है, उसके ऊपर बाद जो है ईमेल एड्रेस होती है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रहे। उसके बाद आप अपना एक करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हो जो बहुत ही जनरिकली है, सीकिंग एंट्री लेवल पोजीशन टू यूटिलाइज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इन कॉमर्स एंड माय स्किल्स टू कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ जेनरिक सा है, कुछ इसमें खास नहीं है, हर एक जॉब के लिए आप इसको यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद आप देते हो अपनी एजुकेशन की डिटेल, उसके बाद अपने स्किल्स लिखते हो जो कि बिल्कुल जेनरिक स्किल्स हैं, कंप्यूटर एफिशिएंसी के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज। लेकिन ये जो स्किल्स हैं वो इतने जेनरिक इतने बेसिक हैं कि आपको स्टैंड आउट करा ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हो जो शायद आपके पास है या नहीं है, राइट? तो आप बिल्कुल बेसिक चीजें लिखते हो जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। फिर कुछ प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन लैंग्वेज और कुछ रेफरेंसेस, राइट? ये आपका है जेनरिक रिज्यूमे जो आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा होता। अब सेकेंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप आखिर ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके रिज्यूमे में ऐसा आप क्या लिख दो जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाए। इसके लिए आपको करनी है एक सिंपल सी चीज, आपको जाना है गूगल के ऊपर और आपको सर्च करना है उस जॉब प्रोफाइल के जॉब डिस्क्रिप्शन को जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और जिस फील्ड में आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए चलते हैं वापस से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और एग्जांपल लेते हैं बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर का। ठीक है, चलिए स्क्रीन के ऊपर। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर का एज अ फ्रेशर, लेकिन आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिस जॉब प्रोफाइल पे आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए शुरू करें। तो आप गूगल पे टाइप करोगे जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर बैंक रिलेशनशिप मैनेजर फ्रेशर। जैसे ही आप गूगल पर टाइप करोगे आपको कुछ रिजल्ट दिखाई देंगे, तो आप शुरू कर टॉप रिजल्ट पे ही जा सकते हो क्योंकि टॉप रिजल्ट में मोस्टली जो है डिटेल्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो हम इस टाइम्स प्रो के पेज को ओपन करते हैं और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। तो सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पे क्या है, वट इज द जॉब रोल ऑफ अ रिलेशनशिप मैनेजर इन द बैंक। तो जॉब रोल क्या होता है वो आप समझ लोगे, और उसके बाद आपकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। ये आपको ज्यादा पढ़ने का दिमाग लगाने का अभी के लिए जरूरत नहीं है, सिंपली कॉपी कर लो। ठीक है, यहां से आपको इसको सिर्फ कॉपी करना है, बाद में पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है, चीजें बाद में होंगी, सिंपली आपको कॉपी करना है। अब सेकेंड टैब में आपको ओपन करना है अपना ChatGPT। ChatGPT की बहुत ही सिंपल सी प्रॉम्प्ट मैं आपको बताऊंगा, उस प्रॉम्प्ट को आपको यूज करना है और जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी किया है उसको यूज करना है और आपका रिज्यूमे एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो पहले समझ लो कि कैसे ये करना है और बाद में आपको मैं गुड न्यूज भी दे दूंगा। तो चलिए ChatGPT की स्क्रीन पे और समझते हैं, राइट? अब हम आ गए हैं ChatGPT की स्क्रीन के ऊपर। तो ChatGPT में आप सबसे पहले जो कमांड दोगे वो क्या दोगे, सबसे पहले आप लिखोगे प्लीज सी माई अटैच्ड रिज्यूमे। इतना लिखने के बाद आप अपना रिज्यूमे यहाँ पर अटैच करोगे। माय डियर फ्रेंड, आप रिज्यूमे को पहले भी अटैच कर लो, बाद में भी अटैच कर लो, ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाद में भूल ना जाओ, इसलिए पहले आप लिख लो सिर्फ प्लीज सी मे अटैच रिज्यूमे।
और अपना रिज्यूमे है मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, अपने स्क्रीन को थोड़ा हाइड करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपकी फाइल लोकेशन पड़ी है लैपटॉप में, वहां से अपने रिज्यूमे को आपने अटैच कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था सचिन कुमार रिज्यूमे, वो आपका यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब आप लिख दोगे एंड हेल्प मी मेक इट सूटेबल फॉर रिलेशनशिप, जिस भी प्रोफाइल पे आप जॉब करना चाह रहे हो उस प्रोफाइल का लिखोगे, रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको साथ साथ आप करेक्ट करते रहना, या बाद में भी आप कर सकते हो, जो मिस्टेक्स हो जाएंगी वो हम भी करेंगे अगर लगता है हमारी कुछ मिस्टेक रह जाती है। इन बैंक एज अ फ्रेशर यूज द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड की स्किल्स, इतनी सी कमांड आपको लिखनी है और उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट कर देना है जो आपने पहले टैब में से हमने किया था। ठीक है, आपने पेस्ट किया, कमांड देने से पहले आप जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको आप करेक्ट कर लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज आपके रिजल्ट जो है ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। थोड़ी वो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है चैट जीपीटी बहुत स्मार्ट है, वो अपने आप समझ लेता है, लेकिन स्टिल बेटर कि आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ हमने अपनी स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट कर ली और जैसे ही कंप्लीट हुआ हम यहाँ पर कमांड दे देंगे गो। ठीक है, अब आप देखो मैजिक होते हुए आपकी आंखों के सामने, जैसे ही आपने कमांड दी आपका रिज्यूमे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब आप पहले पूरा रिज्यूमे को देख लो, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं पहले वाले रिज्यूमे में और अब के रिज्यूमे में। राइट, सो अभी आप देख रहे हो कि उसने कस्टमाइज कर दिया कि रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल के लिए है, आपने जो स्किल्स हैं जो स्किल्स ज्यादा चाहिए उस प्रोफाइल के उन स्किल्स को हाईलाइट किया। सेम आपका एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन है वो तो आप चेंज डेफिनेटली नहीं करोगे, जो एजुकेशन है वो है। अब आप नीचे आओगे की स्किल्स के ऊपर, क्योंकि की स्किल्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा या नहीं आएगा। सो की स्किल्स को देखोगे आपने चैट जीपीटी ने एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और जो भी की स्किल्स आपके रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल के लिए सूटेबल होते हैं वो सारे की स्किल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज, वर्ड की नॉलेज जो पहले भी था, एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्किंग कोलैबोरेटिवली इन मार्केटिंग एंड सेल्स टीम। सो बेसिकली वो सब चीजें जो चाहिए एज अ सेल्स में रिलेशनशिप मैनेजर वो सब यहाँ पर आ गई हैं। अब आप एक्सपीरियंस सेक्शन को देखोगे तो एक्सपीरियंस सेक्शन में भी आपके एक्सपीरियंस को ऐसे लिख दिया गया है कि वो रिलेशनशिप मैनेजर के रोल को सपोर्ट करे, आपकी नॉलेज प्रोजेक्ट्स को ऐसे लिखा गया है जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। करेक्ट है, सो ये आपको पूरा का पूरा डेडिकेटेड फॉर्मेट मिल गया। अब इसको आपको क्या करना है, यहां से आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप अपनी वर्ड फाइल में जाओगे और वर्ड फाइल में जाके आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। करेक्ट, तो ये हमने यहां से किया है कॉपी। अब हम चलते हैं अपने वापस से वर्ड फॉर्मेट में और वहां पर जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। अभी आप देखोगे हमने एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है, इसमें आपको सिंपली वहां से कॉपी किया था, तो यहाँ पे आप सिंपली कमांड दोगे कंट्रोल वी और आपका रिज्यूमे रेडी है। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अपनी जो जो ब्लैंक है आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, आपकी यूनिवर्सिटी डिटेल, सिटी, स्टेट, अगर आपके रिज्यूमे के अंदर पहले से मेंशन थी तो ऑलरेडी चैट जीपीटी आपके लिए वो काम कर देगा, अगर नहीं थी तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। करेक्ट, सेम की स्किल्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इंटर्नशिप जो कंपनी में किया है अगर आपके रिज्यूमे में पहले था तो वहीं से पिक कर लेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। सेम विद प्रोजेक्ट्स, सेम विद सर्टिफिकेशन, राइट, और ये आपका रिज्यूमे रेडी हो जाएगा। ध्यान देने की बात ये कि मैक्सिमम आपको जो रिज्यूमे है वो दो पेज के अंदर ही कवर करना है, अगर वो एक्सटेंड हो रहा है तो थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर लो, कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जहां आप टाइप कर रहे हो वहां नहीं होनी चाहिए, चैट जीपीटी को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा, सो रेस्ट अश्योर्ड। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही से भरना, क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे अच्छा भी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो भी आपका इंटरव्यू पर कॉल नहीं आएगा। राइट, सो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लाके देने में। आई होप इससे आपको क्लैरिटी हो गई कैसे आप चैट जीपीटी को यूज करके रिज्यूमे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा और आपकी इससे हेल्प होने वाली तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करो अपने सभी फ्रेंड्स को, तो फैला दो, सबको दिखा दो कि आप कितने आपने कितनी अच्छी चीज सीखी और कितना इंटरेस्टिंग चीजें आप सीख रहे हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और अगर आप बैंक जॉब में इंटरेस्टेड हो तो हमारा कोर्स मैं भी बैंकर आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, उस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, और इस वीडियो की प्रॉम्प्ट जो हमने यूज की वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दे रखी है, चाहिए और यूज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।